हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी आरंग। इसे राजा मोरध्वज की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर स्थित है पंचमुखी शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, जो कि एक विशाल पीपल वृक्ष के तने से के नीचे से निकला है। तो चलिए हम लोग जाते हैं। पहले हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं मंदिरों का नगरी आरंग, मतलब आरंग को मंदिरों की नगरी बोला जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, पंचमुखी शिव जी है। तो चलिए मैं आपको पहले मंदिर घुमा देती हूँ। और देख सकते हैं इसका कितना अच्छा लग रहा है, ये लोकेशन एकदम हरा भरा और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए हैं दोस्तों पंचमुखी शिव मंदिर। यहाँ शिवलिंग का एक विशाल पीपल वृक्ष के तने से निकला हुआ है और यह स्वयंभू शिवलिंग है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर फिरंता लोधी, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो स्टेचू बना है वो है फिरंता लोधी जी का। तो फिरंता लोधी रोज़ यहाँ पर पीपल के बीच में पानी डाला करते थे और एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि तने के अंदर यहाँ मतलब एक शिवलिंग है। और इस बात का उन्होंने लोगों से चर्चा भी किया। फिर बाद में पीपल के तने को काट कर देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पर एक शिवलिंग है और वृक्ष की मोटाई लगभग 27 फीट है। तो ये देखिए अंदर में जो दिख रहा है ये तने के अंदर ही शिवलिंग है और यहाँ पर तने को ही काट कर यहाँ पर शिवलिंग को रखा है। मतलब शिवलिंग के तो यहाँ पर है ही, तो तने को काट कर ऐसे जगह बनाया गया है मंदिर जैसा। और यह है स्वयंभू शिवलिंग। तो यहाँ आसपास यदि हम चार शिवलिंग और हैं तो वो भी मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर दीवार में लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं यही सब के बारे में। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं, ये है शिवलिंग है। अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर बोर बाहर में देख सकते हैं, यहाँ पे बोरिंग जो बोलते हैं वो भी है। वहाँ से ला के यहाँ पर बाल्टी लोटा भी रखा हुआ है, ला ला कर भी पानी हम लोग डालेंगे। और यहीं पर मंदिर के सामने में एक बावली बना है जहाँ पर जहाँ से पानी लाकर शिवलिंग में चढ़ाया जाता है।
ये देखिए, ये है फिरंता लोधी जी, जो पीपल के बीच में जो पानी डाला करता था, तो यहीं पर उसका बना हुआ है स्टेच्यू। और मैं अभी पानी डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको और जो चार शिवलिंग और यहीं आसपास है वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन और जो शिवलिंग है वो इस मंदिर के अंदर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर भी तीन शिवलिंग है। तो ये जो है सबसे पहला वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा है, ऐसे लाइन से तीन शिवलिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखिए दूसरा शिवलिंग है और उसके बाद एक तीसरा शिवलिंग है। तो ऐसे यहाँ पर तीन शिवलिंग है और एक जो फर्स्ट में आपको जो पीपल के तने के अंदर वाला जो दिखाई थी वो, तो ये हो गया चार शिवलिंग। और इस मंदिर के सामने में एक और है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो है पाँचवा शिवलिंग। तो ऐसे करके यहीं पर ही पाँच शिवलिंग है, इसलिए इसे पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं पांचवें शिवलिंग का दर्शन करने। तो देखिए सामने में एक छोटा सा और मंदिर टाइप से यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर है पांचवा शिवलिंग। और सभी शिवलिंग देख सकते हैं एक ही जैसे है, सभी शिवलिंग का जो बनावट है। तो ये हो गया हमारा पांचवा शिवलिंग। तो ऐसे करके यहाँ पांच शिवलिंग यहीं आसपास है, इसीलिए इसे पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया में ये सब बना हुआ है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।